फ़्लाइट टिकट को आप बहुत सारे जगहों से बुक कर सकते हैं, चाहे किसी एप्लीकेशन से या फिर किसी वेबसाइट से। इसमें किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहाँ पर हो जाती है इमरजेंसी सिचुएशन में, अगर आपको टिकट कैंसिल करना पड़ जाए या फिर कुछ और यहाँ पर चेंज करना पड़ जाए, वहाँ पर दिक्कत होती है। तो आप टिकट कहीं से भी बुक कीजिए, आपको जहाँ पर अच्छा प्राइस मिल रहा है, जहाँ पर आपको अच्छा सर्विस मिल रहा है, वहाँ से टिकट को बुक कीजिए, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊँगा कि कहाँ पर होती है, और इन चीज़ों को टिकट बुक करने से पहले आपको ज़रूर से ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं अपना बताऊं तो मैं ज़्यादातर टिकट जो है वो फ़्लाइट यहाँ पर फ्लिपकार्ट से ही बुक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे बेटर सर्विस मिलता है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर मैं अमेज़ॉन से भी टिकट को बुक कर लेता हूँ कभी कभी, जब मुझे यहाँ पर अच्छा चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक टिकट को मैं सर्च कर रहा था आज से कुछ दिन पहले, तो यहाँ पर मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि कुवैत से मुझे दिल्ली तक का एक टिकट चाहिए 2 मार्च का। तो यहाँ पर मैं सर्च पर क्लिक करता हूँ, और जैसे ही सर्च पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे फ़्लाइट है, लेकिन इन सभी फ़्लाइट को हम लोग छोड़कर एक फ़्लाइट यहाँ पर हमें मिल जाता है एयर इंडिया का। फ़्लाइट नंबर है 902। यहाँ पर 11,934 रुपये इसका प्राइस है। और सेम यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, सेम यहाँ पर ये जो टिकट है, सेम डेट में आप देखोगे यहाँ पर अमेज़ॉन के ऊपर में, तो यही फ़्लाइट यहाँ पर मुझे दिखा रहा था। मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश, यहाँ पर देख सकते हो एयर इंडिया है और ये 1,255 रुपये का है, 12,055 रुपये का है। तो ये जो सेम फ़्लाइट है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा डिफरेंसेस, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये हो गया अमेज़ॉन, और अमेज़ॉन पर ये जो टिकट है वो हमें मिल रहा है 12,855 रुपये। यहाँ पर जो भी यहाँ पर कन्वर्जन फीस जो है वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर नॉन रिफंडेबल आपको देखने को मिलता है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नॉन रिफंडेबल देखने को मिलता है। सेम टिकट, सेम डेट में सेम फ़्लाइट यहाँ पर 902 आपको देखने को मिल जाएगा, सेम फ़्लाइट। और उसी तरीके से मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर फ्लिपकार्ट के ऊपर में, फ्लिपकार्ट किधर गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 902 सेम फ़्लाइट नंबर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसको हम लोग अगर बुक करने की कोशिश करते हैं तो क्या आता है, आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो यहाँ पर आपको मिल जाता है पूरा का पूरा इसका, यहाँ पर 11,934 रुपया यहाँ पर सभी चीज़ यहाँ पर मिल जाता है। कूपन दोनों में मिल जाता है, आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं दोनों में, दोनों जगहों पर आपको मिल जाता है। तो कूपन कोड अलग अलग जगहों पर सभी, मतलब सभी जगहों पर मिल जाता है फ़्लाइट में डिस्काउंट करने के लिए। तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर रूल्स देख सकते हैं, बैग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर 35 किलो, 7 किलो, जबकि वहाँ पर 35 किलो और 8 किलो दिखा रहा है। यहाँ पर एक और फेयर रूल्स हैं, यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कंसलेशन, यहाँ पर जो फीस है ना, यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये जो रिफंड टाइप है ना, तो देख सकते हैं यहाँ पर रिफंडेबल है, यानी कि जब भी आप टिकट कैंसिल करोगे तो आपको यहाँ से रिफंड मिलेगा ही मिलेगा। और उसी तरीके से अगर आप फ़्लाइट को शेड्यूल कराना चाहते हो, मतलब डेट चेंज कराना चाहते हो, तो यहाँ पर भी आपको कुछ अमाउंट को पे करना होगा, जो कि यहाँ पर एयरलाइंस फ़ी और फ्लिपकार्ट फ़ी, इन सभी को देकर आप टिकट को यहाँ पर शेड्यूल भी करा सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैंसिलेशन भी यहाँ पर मिल जाता है, और उसी तरीके से शेड्यूल भी मिल जाता है फ्लिपकार्ट के ऊपर में। तो ये बेटर ऑप्शन हमें देखने को मिलता है फ्लिपकार्ट पर, सेम फ़्लाइट का, सेम टिकट का। तो ये और प्राइस भी वहाँ से कुछ पैसे यहाँ पर कम ही आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कैंसिलेशन फ़ी आप देख सकते हो 4,055 रुपये और प्लस 700 रुपये यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट का फ़ी है ये आपको कट हो जाएगा, बैलेंस पैसा आपको मिल जाएगा। और भी यहाँ पर टैक्स भी मुझे लगता है कि यहाँ पर लगेगा, तो इसके बारे में जब आप कैंसिल करोगे तो वहाँ पर मालूम चल जाएगा। लेकिन आपको कुछ तो पैसा मिल जाएगा जब आप कैंसिल करोगे, यहाँ पर शेड्यूल भी करोगे तो भी आपको पैसा मिल जाएगा। और अगर आप आपको पैसा देकर शेड्यूल कराना होगा, और अगर आप कैंसिल करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ पैसा मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं अमेज़ॉन के ऊपर में, तो अमेज़ॉन में यहाँ पर आप देख सकते हो साफ तरीके से लिखा हुआ है कि नॉन रिफंडेबल ये टिकट है। यहाँ पर आप देख सकते हो नॉन रिफंडेबल। और उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग व्यू, यहाँ पर कैंसिलेशन पॉलिसी, ये सब है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो 8 किलो और 35 किलो सेम यहाँ पर लगेज आपको देखने को मिल जाएगा। कैंसिलेशन में यहाँ पर आप देख सकते हो 0 to 24 आवर्स डिपार्चर यहाँ पर नॉन रिफंडेबल है, मतलब कि ये रिफंड नहीं होगा। और यहाँ पर 24 घंटे से पहले अगर आप यहाँ पर कैंसिल करते हो तो आपको कुछ
भी नहीं मिलेगा, मतलब कि जो प्राइस का यहाँ पर फ़्लाइट का टिकट है ना वो सेम टू यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर नॉन रिफंडेबल का बेनिफिट जो है, मतलब कि लॉस जो है वो यही होता है। डेट चेंज भी हम लोग देख लेते हैं, मतलब कि जो शेड्यूल था वहाँ पर, यहाँ पर डेट चेंज है। तो डेट चेंज में यहाँ पर आप देख सकते हो 0 से 24 आवर्स में डिपार्चर, यानी कि 0 से 24 घंटा पहले अगर आप करते हो तो यहाँ पर नॉन रिफंड नॉट चेंजेबल है। और यहाँ पर 24 घंटा से पहले अगर आप डेट चेंज करते हो तो आपको इतना ज़्यादा फीस देना पड़ेगा, मतलब देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें हमें मिलता है दोनों जगहों पर, अलग अलग चीज़ें। तो जब भी आपको फ़्लाइट टिकट बुक करना होगा इन सभी चीज़ों को आपको ज़रूर से ध्यान में रखना चाहिए, और उसके बाद ही आपको टिकट बुक करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आपको दिखाया कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो ये अमेज़ॉन है ना, ये अमेज़ॉन देता है मेक माई ट्रिप के ज़रिए यहाँ पर टिकट को बुक करता है। मतलब आप मेक माई ट्रिप से बुक करोगे या फिर अमेज़ॉन से बुक करोगे, सेम रूल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो रूल यहाँ पर अमेज़ॉन पर है वही मेक माई ट्रिप पर भी है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर्ड बाई मेक माई ट्रिप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट के बारे में बात करें तो फ्लिपकार्ट में यहाँ पर जो टिकट बुक करने का फैसिलिटी मिलता है वो है क्लियर ट्रिप से। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर लिखा भी होगा कहीं पर क्लियर ट्रिप, या जब टिकट आप बुक करोगे वहाँ पर आपको क्लियर ट्रिप मिल जाएगा। यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, लेकिन जो फ्लिपकार्ट टिकट बुक करता है वो क्लियर ट्रिप से बुक करता है। तो ये चीज़ें मुझे कब बहुत ज़्यादा पसंद आया फ्लिपकार्ट का, और फ्लिपकार्ट में बहुत ही ईजिली आप टिकट को बुक कर सकते हो। मैं बहुत बार टिकट बुक किया हूँ फ्लिपकार्ट से। तो ये चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट में देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो, और जब भी आप टिकट को बुक करेंगे इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, और आप रखेंगे उसके बाद ही टिकट को बुक करेंगे। तो यहाँ पर कूपन कोड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा शॉर्टकट में। तो कूपन कोड देखिए सभी जगहों पर मिला, देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई कूपन, और कूपन कोड आप अलग अलग यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग है। और यहाँ से आपने यहाँ जो भी आपका सुपर कॉइन है वो भी आपको इस टिकट में ऐड कर सकते हो। फ्लिपकार्ट में ये बेनिफिट है। अमेज़ॉन के ऊपर हम बात करें तो अमेज़ॉन के ऊपर में भी यहाँ पर अप्लाई ऑफर मिल जाता है, तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पर डिस्काउंट अलग अलग तरीके से है, तो इसके ये दोनों जगहों पर मिल जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपको मैंने बताया कि यहाँ पर डेट चेंज इन शेड्यूल, और उसी तरीके से यहाँ पर कैंसिलेशन फीस जो होता है यहाँ पर नॉन रिफंडेबल और रिफंडेबल है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखिए। थैंक यू।